हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा GTA 5। से पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई माइकल ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, इन तीनों ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया था जिसको माइकल लीड कर रहा था। माइकल मतलब कमांड दे रहा था सबको, और भाई ट्रेवर ने ये किया था, यानी हमने ट्रेवर से ये करवाया था कि भाई ट्रेवर ने मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी थी और चुराई भी थी, जिसे माइकल ने चुराने के लिए बोला था, जैसे कि एक ट्रक चुराया था और कपड़े वगैरह हमने इकट्ठे करे थे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें करी थी। अगर प्रॉपरली जानना है क्या करा था तो पिछली वीडियो जरूर से आगे देख लो, बहुत ज़्यादा कमाल की थी। लेकिन आज की वीडियो यार एंड तक जरूर से आगे मतलब एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम शायद से कुछ बड़ा मतलब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि भाई पिछली वीडियो में हमने ऐसा कुछ किया था कि चीज़ें इकट्ठी करी थी अपना एक बड़ा सा मिशन स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम अपनी पहले लोकेशन पर चलते हैं और लोकेशन पर चल के देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ही लोकेशन बनी हुई आ रही है जिसका नाम है H, और ये H का मतलब है कि भाई हमें अपने घर पर जाना होगा, मतलब घर के पास जाके हमारा मिशन स्टार्ट होगा। तो पहले वहाँ चलते हैं और देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो यार घर पे तो मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ, और घर के नीचे मैं सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे बाइक भी खड़ी रहती है हमेशा से, लेकिन बाइक की फिलहाल मेरे मतलब ज़रूरत नहीं है चलाने की। और मैं सबसे पहले ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर जाके देखते हैं क्या होगा। तो पिछली बार जब हमने अपना मिशन यहाँ पे किया था तो हमने अपने दोस्तों के साथ सबमरीन वगैरह चोरी करी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा कमाल की थी। ओके, तो अपने दोस्त को पूछ रहा है अभी ट्रैवर के यहाँ पे कोई होगा। Okay, तो यहाँ पे है। Hello, Wade. I missed you too. Hello, Trevor. Oh. Okay, तो ये जो बंदा अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है इन कपड़ों में, गंदे से कपड़ों में, ये जो बंदा है ट्रेवर के सामने, ये ट्रेवर से डरता है थोड़ा सा, क्योंकि इसने ट्रेवर से पहले बोला है कि मैं थोड़ा सा डरता हूँ तुमसे। ओ भाई। Massage me, motherfucker. Okay, तो भाई मसाज करने के लिए बोल रहा है अभी ट्रेवर। ओ भाई माइकल आ गया यहाँ पे, इसका मतलब मैं सही था, यानी पक्का से कुछ बड़ा मिशन आज ये स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो भाई ट्रेवर अभी भी पूछ रहा है माइकल से कि वो बच्चा कहाँ है, यानी बच्चे से मतलब था फ्रैंकलिन, जो कि भाई आ चुका है यहाँ पे। तो भाई ये तीनों के तीनों यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं फाइनली, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ये देखने में कि भाई अब हम करने क्या वाले हैं मिलके। ओके भाई ठीक है, मैं समझ गया। तो यानी ट्रेवर ने कुछ प्लान किया है जिसको जिसके बारे में मतलब फ्रैंकलिन से और माइकल से डिस्कस करना चाहता है ट्रेवर, जो कि सामने है अभी, मतलब मैप एकदम से बिल्कुल एकदम पर्चे पे एकदम बना के खड़ा कर दिया है ट्रेवर ने, और ये इस बारे में इनसे डिस्कस करना चाहता है। तो अभी देखते हैं हमें मतलब क्या मदद चाहिए माइकल की और ट्रेवर की, माइकल की और फ्रैंकलिन की, सॉरी। Fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know? Okay. A carrion eating motherfucker. Do you understand that? तो भाई ये बोल रहा है कि मैं दूसरों की तरह, मतलब ट्रेवर अभी इस टाइम ये बोल रहा है कि मैं दूसरी दुनिया की तरह नहीं बनना चाहता, कि वो मतलब उनकी जिंदगी में कोई एम नहीं होता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ऐसा भी ट्रेवर बोल रहा है। तो अभी ट्रेवर को माइकल की और फ्रैंकलिन की मदद चाहिए, तो किसी अंकल सैम का नाम लिया है अभी ट्रेवर ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकल सैम यानी कोई बंदा होगा जिसको ट्रेवर जानता होगा, और उससे अभी ट्रेवर को छीनने की बात कर रहा है, तो उसे छीनने में शायद से फ्रैंकलिन और ट्रेवर मतलब फ्रैंकलिन और माइकल की मदद चाहिए ट्रेवर को। तो भाई इतने सारे कैरेक्टर हैं इस गेम में, तो एक तो नाम ही मेरे मुंह से मिक्स हो जाता है। ओ भाई साहब कपड़े चेंज कर लिए तीनों ने, और अभी हम खेलने वाले हैं भाई माइकल से, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे ओके फाइंड अ 4-सीटर व्हीकल। ओके, तो मैं सोच रहा था कि यार भाई इस वाली कार में जाऊँ, लेकिन इस वाली कार में तो भाई अभी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी हम हो गए तीन बंदे, तो भाई तीन बंदों के लिए तीन बंदों वाली कार तो नहीं आएगी, कम से कम 4-सीटर वाली कार आएगी। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आया था कि मुझे 4-सीटर वाली कार चाहिए होगी, तो सामने कार खड़ी हुई तो है। ओ भाई इससे काम नहीं बनेगा, तो पहले मैं जल्दी से कार ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, वैसे कार ढूंढना इतना कोई हार्ड काम नहीं है। ओके, तो ये वाली कार आ रही है यहाँ पे। वो भाई साहब कार बहुत बढ़िया है ये, और 4-सीटर भी है, तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मुझे मिल गई फाइनली, अब हम इसके अंदर जा सकते हैं। जल्दी बैठ जा भाई फ्रैंकलिन। ओके भाई अब हमें एयर स्ट्राइक पे जाना होगा,
मुझे नहीं पता ये एयर स्ट्राइप क्या है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है हमारे लोकेशन से, मतलब ये 4 माइल से भी ज्यादा की दूरी पर है, यानी लॉस सैंटोस से भी शायद से काफी ज्यादा आगे होगी। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम जाने वाले हैं ट्रेवर के गांव की तरफ जहां पे ट्रेवर एक्चुअली में रहता है। तो चल के देखते हैं अपनी लोकेशन पर, देखते हैं हमें क्या करना होगा वहां पे। ओके भाई, तो फाइनली अपनी लोकेशन पर हम पहुंचने वाले हैं। यहां पे आने में भाई मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर फाइनली हम यहां पे ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। और देखो मैंने शॉर्टकट ले लिया यहां से आने के लिए, ये बड़ा सही काम कर दिया मैंने। ओ भाई साहब, यहां पे तो बहुत सारी चीजें खड़ी हुई है, तो यहां पे वही चीजें खड़ी हुई जो हमने पिछले कुछ मिशंस में इकट्ठा करी थी, और यहां पे हमारी टीम के बंदे भी पहुंच चुके हैं, तो यहां उतरना होगा। तो भाई हमने कुछ मिशंस पहले ये सबमरीन इकट्ठा करी थी जो सामने खड़ी हुई है, और ये वाला हॉय हेलीकॉप्टर चुराया था मिलिट्री के खुफिया अड्डे से जाके। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि हमें इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना होगा, तो अभी मुझे नहीं पता हेलीकॉप्टर कौन चलाने वाला है। ओके, शायद से हेलीकॉप्टर तो हम ही चलाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई दबा के हमें कुछ करना होगा, शायद से ई से स्टार्ट किया हमने हेलीकॉप्टर। और भाई अभी ट्रेवर, ओके शायद से ट्रेवर सबमरीन के अंदर बैठा है। ओके कोई बात नहीं, तो अभी शायद से हम आगे जाना होगा, और आगे जाके, ओके भाई ठीक है मैं समझ गया, आगे नहीं जाना हमें, आगे नहीं जाना मैं समझ गया। तो अभी भाई हमें जो सबमरीन है इसको उठाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ही, ओके तो ई दबाने के बाद भाई हमने हेलीकॉप्टर चालू नहीं करा, हमने ये जो नीचे तार सी लटक रही है इसको गिराया है ताकि हम इस सबमरीन को उठा सकें। तो भाई सबमरीन को मैं उठा लेता हूँ क्योंकि ट्रैवल इसके अंदर बैठ चुका है, तो जल्दी से इसको सही पोजीशन पे ला के मैं, ओके फंसा के इसे उठा लेता हूँ। तो भाई फाइनली मैंने सबमरीन को यहाँ पे उठा लिया है, और सबमरीन को उठाने के बाद हमें इसे लेके जाना होगा कहीं पे। और अभी यहाँ पे लिखा है कि हमें फ्लाई टू द टेस्ट साइट। ओके, तो शायद से हमें किसी जगह पे, ऐसी जगह पे लेके जाना होगा इस सबमरीन को जहाँ पे हमें इस सबमरीन को टेस्ट वगैरह करना है। तो पहले से चल के देखते हैं फिर क्या करना है ये देखते हैं। तो भाई हम पक्का से कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में इकट्ठा करी थी। तो अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पर, देखते हैं हमें क्या करना होगा। ओके भाई, तो मैं अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सामने कोई चीज़ है पानी के अंदर, और मुझे लग रहा है मुझे वहां पर इस सबमरीन को उतारना होगा। ओके, तो सामने भाई एक चीज़ है कोई, मुझे नहीं पता ये क्या है। ओके, मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, फिर देखते हैं नीचे आके ये एक्चुअली में है तो है क्या। ओके, तो हमें पक्का से, ओके तो हमें ई दबा के सबमरीन को मैं ई दबा देता हूँ। ओके भाई, मैंने बहुत सही जगह पे इस सबमरीन को उतार दिया है, और अभी हम बन गए वापस से ट्रैवर, और हम ट्रैवर बन के इस सबमरीन को चलाने वाले हैं। और अभी देखते हैं भाई हमें क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक चीज़ को ट्रैक करना होगा, मुझे नहीं पता किस चीज़ को ट्रैक करना है। ओके, तो हमें अभी किसी चीज़ को ट्रैक करना है, तो हम, ओके हमें इस चीज़ को बिल्कुल एकदम, ओके भाई मैं समझ गया, जो रेड निशान बना हुआ आ रहा है राइट साइड पे, हमें इस जगह पे जाना होगा, और हमें शायद से यहाँ पे कुछ मिलेगा भाई। बहुत मतलब अभी खुफिया टाइप की चीज़ कर रहे हैं हम, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस मिशन को करने में, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा हाथ लग सकता है, क्योंकि ये पानी में कुछ ढूंढ रहे हैं भाई। ओके भाई, अभी रेड सर्कल में पहुंच तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे शायद से इस रेड सर्कल को अपने बीच में रखना होगा, और बिल्कुल उसकी जगह जाना होगा तब तक जब तक मुझे कुछ मिल नहीं जाता। ओके भाई, तो मैं फाइनली यहाँ पे पहुंचने वाला हूँ, ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा पास आ गई है फाइनली, और अभी बिल्कुल भाई एकदम पास आती जा रही है धीरे धीरे, और देखना ये होगा क्या होने वाली है चीज़। ओ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आ गई, ऑलमोस्ट आ गई भाई, ऑलमोस्ट आ गई। ये है क्या यार, ये है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऊपर जाना होगा पानी से, मतलब शायद से थोड़ा सा ऊपर जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे है क्या, ओके तो भाई ये बिल्कुल पास में ही है, और ओके या तो मैं समझ गया, या फिर मुझे पानी के अंदर जाना होगा बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पे हम पानी के अंदर भी जा सकते हैं, तो शायद से या तो मुझे पानी के अंदर जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ओके भाई मैं समझ गया, या तो हम ऊपर जा सकते थे या फिर नीचे जा सकते थे। ओके भाई, तो मैं अभी और नीचे जा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पे समुद्र में, तो अभी पहले नीचे चलते हैं। ओके, तो मैं समझ गया, यहाँ पे एक गुफा सी बनी हुई है, तो शायद से मुझे इस गुफा के अंदर जाना होगा। तो भाई अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो ओके ओके भाई, मैं समझ गया, ये जो रीडिंग है, ओके जो रीडिंग है ये, इसकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की हो गई धीरे धीरे, और मैं इसके बिल्कुल पास आ चुका हूँ। ओके भाई ठीक है, मैं, मुझे मेरी लोकेशन मिल गई फाइनली, और मेरा अब यहाँ पे साइन बना हुआ आ गया कि मुझे यहाँ पे जाना कहाँ है। ओके, यहाँ लिखा है गो टू द डिवाइस। ओके, तो मुझे किसी डिवाइस के पास जाना होगा, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बिल्कुल। ओके, डिवाइस कौन सा, मतलब कौन सा डिवाइस। ओके, नीचे एक डिवाइस है, तो शायद से या तो मुझे इसे उठाना होगा,
ओके भाई मैं नीचे यहाँ पे चला जाता हूँ उसके मशीन, ओके यहाँ पे एक डिवाइस है नीचे, मुझे नहीं पता भाई कैसा डिवाइस है ये, तो पहले मैं थोड़ा सा सम्ब्रिन को नीचे ले लेता हूँ। सम्ब्रिन को नीचे कैसे लेते हैं? ओके लेफ्ट कंट्रोल दबा के सम्ब्रिन को मैं नीचे ले सकता हूँ। ओके भाई ठीक है मैं समझ गया, तो सम्ब्रिन को ओके मुझे यहाँ पे अभी पता नहीं एक्चुअली में कि करना क्या है, लेकिन शायद से हो सकता है मुझे सम्ब्रिन को अपना मतलब इस डिवाइस के ऊपर रखना हो, ऐसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन करके देखते हैं एक बार। ओके भाई तो हमें सम्ब्रिन से ओके मैं समझ गया, तो हमें सम्ब्रिन को मतलब ऊपर रखना था उस डिवाइस के और हमने फाइनली रख लिया, और शायद से जो हमें डिवाइस चाहिए था वो हमें मिल चुका है, और अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा पानी से, और हमें वापस जाना होगा अपनी लोकेशन पे, मतलब अपने दोस्तों के पास माइकल और फ्रैंकलिन के पास, उन्हें बताना होगा कि हमने जो करना था वो कर दिया। ओके तो भाई इसने अभी भी क्या करा है माइकल ने, सॉरी ट्रेवर ने, मैं बताता हूँ, जो हमें डिवाइस चाहिए था जो पानी के अंदर था वो हमने अपनी सम्ब्रिन के बिल्कुल नीचे फंसा लिया, आप देख सकते होंगे, तो हमें यही डिवाइस चाहिए था पानी में से, फाइनली हमें मिल चुका है। तो पहले तो भाई मैं ऊपर चलता हूँ पानी के, और ऊपर जाना भाई मतलब बहुत ज़्यादा हम नीचे आ चुके हैं पानी के इस टाइम, और अभी ऊपर जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके भाई अभी बहुत टाइम लग रहा है भाई ऊपर जाने में, तो पहले ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं मैं कहाँ जाना होगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ही शायद से हमें हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पता चलेगा। ओके तो ऑलमोस्ट हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं। ओके अब हमें माइकल बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि माइकल बनना होगा। ओके भाई मैं समझ गया, तो हमें अपनी सम्ब्रिन फिर से हमें अपने हेलीकॉप्टर से उठानी होगी, और जितने मतलब ड्राइवर काम कर रहा था नीचे उतने भाई माइकल और फ्रैंकलिन नीचे ही घूम रहे थे, मतलब नीचे नहीं सॉरी ऊपर घूम रहे थे, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर में थे। तो अब यहाँ से भाई अपनी जो है उठा लेते हैं अपना सम्ब्रिन को। ओके भाई उठाना थोड़ा सा फिर से मुश्किल होने वाला है, अभी वहाँ भी मुश्किल हो गई थी और यहाँ भी मुश्किल होने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब बिल्कुल पानी में है एकदम सम्ब्रिन। फाइनली भाई उठा लिया है मैंने इसको ऊपर अपने मतलब हेलीकॉप्टर से लगा लिया है इसको, मतलब सम्ब्रिन को चिपका के, और अब हम चलते हैं अपने शायद से हम वापस वहीं जाएंगे जहाँ से हम अपने चॉपर को और अपनी सम्ब्रिन को लेकर आए थे, क्योंकि भाई हमारा जो हमें मिशन था सम्ब्रिन से डिवाइस लाने का वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है मतलब ऑलमोस्ट, और अब हमें वापस जाना होगा। ओके भाई तो अब शायद से गुंडे आ गए हैं, और मुझे लग रहा है ये गुंडे वो हो सकते हैं जिन लोगों ने इस मशीन को डिवाइस को छुपा के रखा हुआ था। ओके भाई अभी मैं बन गया हूँ फ्रैंकलिन, और नीचे जो भाई नीचे जो शिप क्या बोलते हैं बोट्स बोट है उन्हें मारना होगा, लेकिन बोट के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी यहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं। ओके तो अभी भाई राइट साइड से कैसे मार रहा होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ओके तो मुझे लग रहा है या तो मुझे भाई ओके मैं समझ गया, तो मुझे ई दबा के भाई दूसरी साइड मारना पड़ेगा, मैं समझ गया। ओके तो ई दबाने से मैं दूसरी साइड पे देख सकता हूँ हेलीकॉप्टर के, और वहां से मार सकता हूँ लोगों को। तो भाई मैंने भूतनी वाले को इनको बजाता हूँ उनके अंदर। ओ भाई पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही फाड़ दिया, मुझे नहीं पता इस टाइम भाई फ्रैंकलिन कौन सी बंदूक यूज़ कर रहा है, लेकिन जो भी यूज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड देखने से भी काम नहीं चलता क्योंकि हेलीकॉप्टर भाई दूसरी साइड है। ओके पीछे की साइड था वो। ओके आ जा भाई आगे आ जा थोड़ा सा, जब तक ये आगे नहीं आएगा तो उसकी हिट नहीं पड़ेगी। आगे क्यों नहीं आ रहा यार ये तो पीछे से वार कर रहे हैं। ओके भाई जब तक ओके तो शायद से मुझे साइड से मारना होगा। ओके मैं समझ गया, मुझे दूसरी साइड से मारना था शायद से। ओके इधर की साइड बैठा भूत नहीं के तू ले, पहले ड्राइवर के मारता हूँ ये जो एयर पायलट है, फिर पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही जाएगा इनका भूतनी वाले को। गया भाई ये तो फाइनली। ओके अब दूसरी साइड पे भी आ गया है। ओके ले तू भी ले भूतनी के। ओके भाई पायलट के मार दें जल्दी से, पायलट तो भाई शायद से गया ऑलरेडी और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इसका हेलीकॉप्टर। मारने की भी शायद से जरूरत नहीं, लेकिन मारने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब एक्सप्लोजन होता है ना हवा में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन भाई अभी भी गुंडे आने खत्म नहीं हुए हैं और वो पीछे है हमारे बिल्कुल, लेकिन अभी साइड जाने से फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके भाई तो मैं पीछे की तरफ भी देख सकता हूँ, यानी मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ, मतलब पीछे की तरफ से भी हमला कर सकता हूँ हेलीकॉप्टर के। तो भाई तुम लोग उठने वालों, ओ भाई साहब हमारे मिसाइल छोड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर, ये गड़बड़ है भाई, अगर मिसाइल लग गई ना हमारे हेलीकॉप्टर में एक भी तो मिशन पूरा का पूरा फेल ही हो जाएगा। तो ये तो गया भाई, फटेगा बहुत तेज, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके तो अब साइड में भी है, मतलब आने खत्म ही नहीं हो रहे भाई, लगातार आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भाई कोई, मुझे नहीं पता भी ये कहाँ से आए ये बंदे, लेकिन हो सकता है ये बंदे मिलिट्री के हों, क्योंकि इनका जिस तरीके से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और ये मिसाइल छोड़ रहे हैं, तो भाई ये कोई फाइटिंग मुझे हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई मिलिट्री के बंदे हो जिन्होंने कोई डिवाइस छुपा रखा था पानी में और जिनका हमने डिवाइस निकाल लिया है। तो अब हमें फिर से माइकल बनना होगा, और माइकल बन के अब चलते हैं अपनी लोकेशन पर। अब यहाँ लिखा है कि हमें एयर स्ट्रिप पर जाना होगा अपने हेलीकॉप्टर को और सम्ब्रिन को लेके, तो वहाँ जल्दी से चलते हैं और देखते हैं हमें फिर क्या करना होगा।
तो भाई अपनी लोकेशन पर हम फाइनली पहुंचने वाले हैं, और अभी भी ट्रेवर से माइकल ने ये पूछा था कि वो बंदे जो आए थे हमला करने के लिए वो थे कौन। तो भाई अभी ट्रेवर ने माइकल को ये बताया कि वो मतलब कोई खुफिया बंदे थे, मतलब जैसे एजेंट टाइप के बंदे होते हैं वो वैसे बंदे थे, और अभी वो चले गए हैं फाइनली, हमने किसी ने मार दिया है और हमें यहाँ पर अपना एरोप्लेन उतारना होगा हेलीकॉप्टर को। जल्दी से यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतार देते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा, शायद से हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तो भाई आराम से एकदम मोहब्बत से प्यार से उतार देते हैं, क्योंकि भाई उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी फेल भी आता है मिशन। ओके तो ऑलमोस्ट उतार दिया है हमने। ओके यहाँ नहीं उतारना था वैसे, थोड़ा सा आगे उतारना है, लेकिन शायद से यहाँ भी उतारेंगे तो चलेगा मेरे ख्याल से। ओके तो भाई फाइनली ओके ड्रॉप करना होगा ऐसे। ओके तो ई दबा के हमने ड्रॉप तो कर दिया है इसको, और अब हमारा मिशन हो गया कम्प्लीट। ओके ओ भाई साहब ओके तो लेस्टर बोल रहा है कि तुम्हें पता भी है तुमने करा क्या, क्योंकि ये जो चीज हमने करी है ये बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक होने वाली है, ऐसा लेस्टर बोल रहा है। ओके स्टीलिंग अ सुपर वेपन टू सेल टू द चाइनीज। ओके दिस सम न्यूक और सम शिट, आई थॉट यू सेड यू स्पोक टू हिम। या आई डिड। ओके तो भाई अभी ये बंदा बोल रहा है लेस्टर, जो माइकल का दोस्त है, वो बोल रहा है कि मुझे लगा तुम लेस्टर से बोल रहा है, सॉरी लेस्टर बोल रहा है माइकल से कि माइकल मुझे लगा तुम ज्यादा स्मार्ट होंगे ट्रेवर से, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ट्रेवर की मदद करी, वो जो हमने हथियार निकाला है पानी में से वो निकालने में मतलब ट्रेवर की मदद करी। तो माइकल से ये बोल रहा है लेस्टर कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ऐसा करा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और माइकल ये भी बोल रहा है कि तुमने तो ट्रेवर ये कहा था मुझसे कि लेस्टर से मैं बात कर चुका हूँ। तो ट्रेवर बोल रहा है कि हाँ मैंने बात तो करी थी उससे, लेकिन उसने मुझे परमिशन नहीं दी थी करने की। ओके भाई तो भाई फ्रैंकलिन और माइकल तो जा रहे हैं अपने अपने घर। ओ भाई ये पागल हो गए एकदम से। अबे भाई बिल्कुल फुल सन की किस्म का बंदा है। तो ले भाई मुंह से भी खून और नाक से भी खून, तो शायद से इसे गुस्सा आ गया इसलिए इसकी थोड़ी सी सनक गई। ओ भाई हमारे यहाँ पे मिशन हो चुका है कंप्लीट। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतने कर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर जरूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं अपने चैनल पे कभी भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी गेम प्ले वीडियो मिस ना हो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।